आता हूँ ये 15 दिन के लिए कन्नू मोहम्मद खान यहाँ, सिर्फ 15 दिन के लिए मैं यहाँ आता हूँ। मेरे पास सारा माल जो होता है तो बड़ा माल है। हाँ माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, मतलब हम तो क्योंकि हिंदुस्तान की रेंज होती है ना कि हाँ बिल्कुल बाबा बिल्कुल गुंजाइश के मुताबिक करना चलता है। इससे मैंने तुमसे बातें नहीं करी, मैंने जो सबसे कम वाला है ना वो दिखा दो। सबसे कम वाला ये है कि आपको इसलिए आधा से आधा में कम कर सकता हूँ, इससे मजीद गुंजाइश मतलब 30 है। कौन सी फसल को गुलाबी है, कामोरी है, अंडल कलर गुलाबी के रेट क्या है? इसके 55,000। इसके बच्चे नहीं है तो इसको तो बच्चे हैं तकरीबन जो मेरे पास खड़े हुए तकरीबन 30-40 बकरे खड़े हुए हैं। 22,000 का है, 2.5 महीने का, 3 महीने का। ये बकरियाँ भी खड़ी हुई है, ये दोनों कपड़े ये भी माँ बेटी हैं दोनों, वो वाली 6 दांत की है, ये 4 दांत दोनों गुलाबी से लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर। अल्लाह बरकत दे आपकी रोज़ी में, आपके रिज़्क में, आपके कारोबार में, आपकी नियतों को अच्छा करें, नेक करें, ताकि आप भी अपने लिए अच्छे से कुर्बानी करें और अपने लिए राह निजात करें, आखिरत को संवारें। तो यहाँ पर मैं आई थी बकरा मंडी बकरा परचेज़ करने के लिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह आयत खान फूड सेक्टर पर गाय तो आ ही चुकी है, आप लोगों ने वीडियो वॉच की होगी, अगर नहीं की तो इस वीडियो के लास्ट में मैं स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप वहाँ से हमारी गायें देखिएगा। हमने परचेजिंग से लेकर लास्ट तक के शेयर किया है आपसे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी आल पे कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको आज घुमाने वाली हूँ बकरा मंडी, मलीर की बकरा मंडी और कायदाबाद की बकरा मंडी। तो बस स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ से परचेज़ करने आए थे बकरे और काफ़ी हाई फाई रेट है यहाँ पर, बस ये 26,000 रुपये कह रहे हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम पीछे छोड़ के आ रहे हैं। मैं भी आपके साथ जाता हूँ, मैंने देखा सामने आलू और मछली, आपने देखा तो नहीं है मछली आ रही है, उस वाले क्या हो जाएगा फाइनल? हाँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी आल पे कीजिएगा और वीडियो को कंटिन्यू रखें, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त ब्यूटीफुल बकरे मैं दिखाने वाली हूँ। इतना ही बड़ा था वो? हाँ ना, ये खड़ा हुआ ठीक ना है, भरा हुआ है, ऐसा है सामने बचा दे। दोस्तों यहाँ पर हमारा सौदा नहीं बना, हम दूसरी वाली शॉप पर आए हैं बकरा की मंडी में, तो दिखाते हैं जी अब यहाँ पर हमसे कैसा सौदेबाजी होती है। 26-27 हज़ार से कम नहीं है छोटे से छोटा बकरा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर बार्गेनिंग होगी। अब देखें जो यहाँ पर जितने भी बकरे हैं ना, ये वाला, ये वाले, ये जो चार यहाँ चार पाई पे घास वगैरह खा रहे हैं, ये 25-23 हज़ार में इन्होंने कहा है कि हम 23 हज़ार में छोड़ देंगे। ये देखें कितना प्यारा ब्यूटीफुल सा है, लेकिन हमें थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से रेंज होती है उतने ही चीज़ मिलती है वैसे ही। अभी वो और दिखा रहे हैं कि और कौन से हमारी रेंज में आ जाएंगे। काफ़ी क्यूट क्यूट से बकरे आए हुए थे मंडी में। अभी ये मैं आपको दिखा रही हूँ कायदाबाद की मंडी, बिलाल नहीं कायदाबाद की मंडी, और अभी मलीर मंडी में आपको लेकर चलती हूँ।
बस कुछ देर और यहाँ पर होंगे और ये देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत से बकरे हैं। आओ कितने साढ़े पंद्रह गाय में हिस्सा लेंगे यार। अब जगह पे जाओ माल कितने लेगा एक बात करो जाए जाए तो चलो सब का टाइम हमारे चार पैंतम लेगा दे दे 11000 तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मलीर मंडी और मलीर मंडी की एक ये बहुत ज़बरदस्त सी बकरा शॉप है और मैं आपको पूरी यहाँ की एक छोटी जो मलीर मंडी है मैं आपको पूरी बकरे यहाँ पर दिखाऊंगी। और चलिए जी स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त से आपको ब्यूटीफुल से बकरे मिलने वाले हैं यहाँ पर और इनकी कीमतें भी काफ़ी ज़बरदस्त सी हैं क्योंकि बकरा ईद करीब है तो कीमतों का तो आप लोगों को पता ही है कि कितनी हाई फाई होंगी। ये तकरीबन 50,000-40,000 तक के बकरे थे। ये देखें ये दूसरी वाली शॉप है, अभी आगे आपको वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है, साथ साथ रहिएगा। यहाँ थोड़े छोटे हैं ये तकरीबन, फिर भी आप रेंज रख लें 25-26 से कम कोई भी बकरा आपको नहीं मिलने वाला। हम आगे जाते जा रहे थे और रेट बढ़ते जा रहे थे ना, ये देखें कितने क्यूट क्यूट से बकरे अंदर आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें ये इन्होंने एक प्यारे प्यारे से ना सबकी शॉपें दी हैं, बकरा शॉप इस तरीके से होती है मंडियों में ना, काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल था, अच्छे अच्छे खूबसूरत साफ़ सुथरे बकरे थे यहाँ पर। तो चलिए जी साथ साथ रहें आप लोग वीडियो में, यहाँ पर बार्गेनिंग भी करेंगे हम और आपको खूबसूरत खूबसूरत बकरे भी दिखाएंगे। और यहाँ मैं आ चुकी थी अदनान मलिक नाम से एक शॉप थी और यहाँ पे बकरा तो बाहर ही आ गया था हमारे पास और बस डर तो नहीं लगता बकरों से लेकिन बस थोड़ा सा ना जाहिर सी बात है सींग ना मार दे, सींग वाले बकरे थे बहुत ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत थे। ये देखें मैं आपको करीब से लुक करवाऊँ और ये शॉप थोड़ी नामी गिरामी थी, यहाँ पे तो रेंज कुछ ज़्यादा ही थी, काफ़ी महंगे बकरे थे यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो अदनान मलिक शॉप है ना यहाँ पर नामी ग्रामी, ये इसमें काफ़ी महंगे बकरे थे, इन्होंने 28,000 बहुत छोटा बकरा दिखाया, 50,000 इनके पास रेंज काफ़ी थी, मतलब इन्होंने थोड़ा सा जगह को किया हुआ था। अब चलते हैं जी दूसरी वाली दुकान पर, छोटी दुकान पे रेट थोड़े कम होते हैं तो यहाँ पर भी देख लेते हैं छोटी कोई बकरी के रेट पूछ लो रेट कोई नहीं तुम्हें तो पतनी कहाँ से पड़े लग रहे यार, इसमें कोई सा भी 20 का कम नहीं होगा। आखिरकार मैंने कहा इनसे आप किसी छोटी सी बकरे के रेट पूछ लें और बकरी के रेट कम थे लेकिन जो बकरे थे ना उनके रेट ज़्यादा थे। चलो आओ गाय देखो इसके पास है भाई कम वाले सामने। हाँ ये रेंज में आ जाएगा
दूसरी पार्टी को एक दिखा दी निकाल के, हाँ खस्सी दिखा ये भाई, यहीं से दिखा। आदमी क्या भेस करेगा, अगर कोई है इसमें से निकलता हुआ तो दिखा दे कि यार ये हो जाएगा बस ये ला। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हुआ कुछ इस तरीके से कि बकरे के रेट थे काफ़ी हाई फाई, 40,000-50,000 जो हमें पसंद आ रहा था, और बाकी जो थे 20,000-25,000-26,000 रुपए के, तो वो इतनी मज़ेदार ही नहीं थी। हमारा सौदा नहीं बना अभी तक के बकरा मंडी में। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। सही लगा लो उसके इतना सा तो भी कहाँ रहा है वो। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मवेशी मंडी के नाम से आपको स्क्रीन पर एक वीडियो मिलेगी, उसमें हमारी गाय भी है और बछड़ा है जो हमने परचेज किया है, और पूरी मवेशी मंडी मैंने आपको दिखाई है जिस तरीके से बकरा मंडी दिखाई है। तो वहाँ से वीडियो को वॉच करें और दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें एक बकरा भी मिल जाए अच्छा सा, अच्छे से रेट में, और अल्लाह ताला आप लोगों के भी रोजी रिज़्क़ में बरकत दे ताकि आप भी कुर्बानी करें, अल्लाह की राह में खर्च करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।